आइए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल होम्योपैथिक फिजिशियन में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं यानी डॉक्टर JP सिंह आपको बहुत ही एक कॉमन बीमारी बवासीर व उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आम तौर पर बवासीर के दो प्रकार हैं, पहला खूनी और दूसरा बादी, यह स्त्री और पुरुष दोनों को हो सकता है। साधारणतया होम्योपैथ में खूनी बवासीर के लिए हेमामेलिस व बादी बवासीर के लिए हम एस्कुलस हिप का प्रयोग करते हैं। यदि बवासीर के मस्से में सख्त जलन, असहनीय दर्द व शोथ हो, चाहे वो बवासीर नया हो या पुराना, अधिक हो या कम, जवान में हो या बुजुर्गों में, एक दवा का स्मरण जरूर करना चाहिए। वो है होम्योपैथिक मदर टिंचर मीकूना यूरेन्स। दोस्तों, मीकूना यूरेन्स का फोटो मैं डाल रहा हूँ, ये रहा उसका फोटो। बवासीर के लिए एक ऐसी रामबाण औषधि है जिसके प्रयोग से बवासीर के मस्सों का सख्त जलन, असहनीय दर्द व शोथ से छुटकारा मिल जाता है। बवासीर के कारण अंतड़ियों, गुदा, यकृत व दूसरे अंगों पर जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं, इस दवा से शीघ्र दूर हो जाते हैं। बवासीर को दूर करने के लिए यह दवा बहुत ही गुणकारी है। उपर्युक्त लक्षण पाए जाने पर कोई दूसरी अन्य दवा इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसका सेवन कैसे करें? दोस्तों, मीकुइना यूरेन्स टिंचर की 12 से 15 बूंदे दवा थोड़े पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेनी चाहिए। साथ ही इस टिंचर को 5 गुना वैसलिन में मिलाकर मरहम बना लें और उस मरहम को बवासीर के मस्सों पर लगाएं। इससे मस्सों का सख्त जलन, दर्द व शोथ को आराम आ जाता है। यह एक बहुत ही अनुभूत औषधि है। मैं बार बार ये दोहराना चाहूँगा कि यदि बवासीर के मस्सों और गुदा में सख्त जलन का लक्षण पाया जाए तो यह दवा शर्तिया लाभ पहुँचाती है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारा हर अपडेट आप तक शीघ्र पहुंचे। तो आइए मिलते हैं अगली बीमारी और उसके उपचार के बारे में। थैंक यू दोस्तों।